आज की जो हमारी ये सेशन हमने रखा है, सबसे पहले तो हमें आपसे ही पूछना था कि आपने क्या ट्रेनिंग ली, क्योंकि ये जो आपदा मित्रा का कॉन्सेप्ट है इसमें ये है कि हमने पूरे तैयारी के साथ जो है रहना है। अगर कोई भी खुदा ना खास्ता ऐसी इशू आता है, जैसे फ्लड्स यहाँ पर आए, अर्थक्वेक यहाँ पर आए, कोविड जैसा पैंडमिक आया, या किसी भी ऐसी तरीके की जो नेचुरल डिजास्टर है या मैन मेड डिजास्टर है वो अगर आता है, तो हमारी कम्युनिटी जो है उसमें से ऐसे लोग पहले से ही तैयार हों जो कि आम लोगों की, जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते या जो ट्रेन नहीं है, उनकी मदद कर सके। तो मैं कुछ किसी एक से पूछना चाहूंगी कि आपने क्या ट्रेनिंग ली, कुछ आपको इससे फायदा हुआ, क्या सीखा आपने, कोई भी एक उठ के बता दीजिए। अर्थक्वेक के बारे में किसी ने सीखा है? अगर अर्थक्वेक आता है तो क्या? माना कि हम कुर्सी पर बैठे हुए तो अर्थक्वेक आता है, हमें पहले नीचे बैठना है, उसके बाद कवर करना है खुद को, चेयर उठाने अपने साथ सर को कवर करना। अगर चेयर ना हो तो वहाँ पर किसी चीज को पकड़ सकते हैं, उसको बोलते हैं होल्ड। रेस्टोरेंट मतलब हाजिर हो जाए, किसी पे कोई किसी जगह पर कोई आफत आ जाती है तो आप पहले वहाँ पर पहुंचे, और हमने बहुत अच्छे से इसमें ट्रेनिंग लिया मैंने। अच्छा, अर्थक्वेक के बारे में किसी ने सीखा है? अगर अर्थक्वेक आता है तो क्या? अगर एक बजे मतलब या किसी भी टाइम आ सकता है, मतलब इंसान करना है कि एक बजे सारा खाना खा रहे हैं तो हम मतलब वो उनकी पार्टिसिपेशन नहीं हो पाई। तो मैं आपको ये वादा करना चाहता हूँ कि ये बॉडी मैम की सदारत में जो हमने स्ट्रेटेजी है, पहले तो अपने आप को बचाना है। सबसे पहली प्रोटेक्शन जो होती है वो अपने आप की प्रोटेक्शन होती है, उसके बाद आपने जो है बाकी लोगों की, चाहे वो उसको रेस्क्यू करें या उनको बचाना हो ताकि प्रिवेंट हो जाए, एक हो गया प्रिवेंशन कि उनको कोई खुदा ना खास्ता ऐसी खतरा ना हो, दूसरा हो गया कि अगर हो गया है, जैसे आपने टर्की में देखा या सीरिया में देखा कि अर्थक्वेक आ गया और उसके बाद बहुत देर तक वो रेस्क्यू ऑपरेशंस चलते रहे। रेस्क्यू ऑपरेशंस जो है वो बहुत देर तक चलते रहते हैं, और फिर उसमें आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, कहाँ पे आप उनको ढूंढना चाहिए, जैसे उन्होंने बताया आपने देखना है कि कहाँ पे ये आप लोगों को देख सकते हैं। और उसके बाद जब हम उनको रेस्क्यू करके लाते हैं, एक और इम्पोर्टेंट काम होता है कि जब रेस्क्यू करके लाए तो ऐसे छोटी मोटी जो चीजें उनको जिंदा रहने के लिए चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, या उनको कहाँ पे सेफ जगह, सेफ हाउस कौन सा होना चाहिए, वो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट हमने प्लान में बनाया हुआ है कि अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई मुसीबत आती है तो कौन से ऐसे सेंटर होंगे जहाँ इनको ले जाया जाएगा और जहाँ पे इनको एक सेफ हाउस की तरह रखा जाएगा। तो वो आई थिंक मैंने जो दो तीन आपसे इंटरेक्शंस की, मुझे लगता है कि आप काफ़ी ट्रेंड हैं। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि ये नॉलेज अपने आप तक ही ना रखिए, हमने स्कूल एजुकेशन के साथ इसको स्पेसिफिकली और इवन कॉलेजेस में इसको करना चाहिए। एंड मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी आपके ये सेंटर्स हैं, चाहे वो हमारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हों या चाहे नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हों, एटलीस्ट हम उनको टच पॉइंट्स तो बनाएं, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्डेंट जो है वो तो कम्युनिटी होती है और उसके बाद जो है वो हमेशा गवर्नमेंट ही होती है। तो गवर्नमेंट के जितने भी इदारे हैं, मैं चाहूँगी कि उनमें भी इस तरीके के सेशंस होएं ताकि उनको भी पता हो कि अगर कोई ऐसा आपदा आती है या कोई ऐसे डिजास्टर आता है तो कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये पुरौनक मजलिस वॉलंटियर्स हैं, तो मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको कि आप ने ये जो ट्रेनिंग कंप्लीट करी है 12 दिन की। तो सबसे पहले मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूँ। पार्टिसिपेशन का जो गवर्नमेंट का एम है वो सक्सेसफुली मैम हमारी जो ये आंधियाँ उठें वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। इसके बाद पलते जा रहे हैं, पूरी दुनिया बदलते जा रहे हैं, ये जज्बा कहानी शुरू होना था। वेरी गुड, शाबाश। इसके बाद